हम बुध 11, 16 और 11, 17 में आए हुए हैं। हम जानते हैं हमारे जयगांव दो अंचल प्रधान फुरबा लामा से कि यहाँ का सिचुएशन कैसा है। नमस्कार। देखिए, आज जयगांव GP2 में जो 22 बूथ है, 22 बूथ में सबसे शांति से मतदान होने वाला बूथ हमारा ये 16 और 17 बूथ है। यहाँ से एकदम वोटर भी ज़्यादा है, करीबन आपका 1600 से 1700 वोटर है, लेकिन यहाँ पर सबसे शांति से वोट होता है। लेकिन आज जो सेंट्रल की तरफ से फोर्स आया हुआ है, यहाँ पर अंदर में बैठा हुआ है, अभी एक तो रेड एंड पकड़ा हमारा वोटर, हमको आके कंप्लेन कर, उनका साथ में बातावाती भी हो गया कि वो सेंट्रल फोर्स बोल रहा था कि 5 साल तो ऐसे चला गया और 5 साल चलाने दीजिए, इसका मतलब वो पूरा BJP के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अशांति हो जाएगा। शांति बनाने का सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी फोर्स का होता है। सिविलियन तो नहीं समझते ये बात को, लेकिन फोर्स को जिम्मेवारी ले करके इस तरह का बात नहीं करने से ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी पूरा एक्शन ले, पूरा ध्यान से देखे और इस तरह का सेंट्रल फोर्स रिक्रूट ना किया जाए, ये लोग को पार्टी में डाल दिया जाए। क्यों ये लोग यहाँ पर फोर्स करने के लिए आ रहा है? BJP करके पार्टी कर लेना ये लोग, ये गलत बात हो रहा है। अभी तो कहीं पर कंप्लेंट किया? हाँ, हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को, सेक्टर ऑफिसर को कंप्लेंट किया है, JDA का ऑफिसर भी आया था सेक्टर ऑफिसर, उनको भी कंप्लेंट कर दिया है, इवन हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट में भी कंप्लेंट कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 जयगांव दो अंचल 11/16 के वोटर्स में CRPF ने वोटर को प्रभावित करने का आरोप है। आइए जानते हैं आरोपकर्ता से। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम? इस्लामिया। तो ये वोट के दरमियान क्या हुआ? वोट का दरमियान हम लोग लाइन में था, ये 7:30 से 8:15 का टाइम था, तो उसमें जब हम लोग एक लाइन में था तो CRPF का एक जवान तो क्या यही विश्वा की क्या बोलता है, उन्हीं ने बोला अभी जो सरकार सेंट्रल में है ये तो 5 साल देखने में चला गया, अभी आप लोग का देखना है और 5 साल के लिए, तब भारतवर्ष का जितना चोर पत्थरबाज है वो सब हट जाएगा, ये बोल रहा था CRPF का जवान। आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप है उन्होंने डायरेक्ट तो वोट BJP को दो बोल के नहीं बोला, लेकिन उनका बात इशारा है BJP को वोट दो। तो कितना आदमी को ये सब बात बोला? उसमें वो लाइन में हम लोग 13-14 आदमी था, नहीं सबको तो कुछ नहीं लगा, लेकिन हमको हमारा दिल ने नहीं माना, तो हम उस टाइम बोला भी वोटर को अपना खुशी से जो अपना मन का बात है उतना उसी में डालिए। उस टाइम हम एक हमारा तरफ से कोई बोलने वाला था, सब चुपचाप था और बाकी सब चुपचाप था, हम अकेला आवाज़ उठाने तो SSP वो भीतर का बात है, अगर SSP डंडा मारेगा तो बोल के हम कुछ नहीं है। बाद में फिर वो SSP हमको बाहर आके सॉरी भी बोला, भूल हो गया वो SSP। अभी उनका तो वो जो सरकार उनको वोट कैंपेस करने के लिए उनको नहीं बोला। आप ये CRPF को यहाँ से हटाना काम करेंगे? हाँ, ये यहाँ से इलेक्शन ड्यूटी से हट जाएगा तो और अच्छा है, इसका लिए और माहौल ख़राब हो सकता है। अभी हम प्रधान से बातचीत के ख़त्म कर लिए, हम वहाँ से जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लफड़ा हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह कंप्लेन भी किया है, देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ भ्रमण के लिए।